हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी उसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो इसके पहले के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज 2.1 मैंने स्टार्ट किया था एंड टिल क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने कवर किया था। तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 1 का नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूँ, दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 5 से। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, वीडियो पर एंड तक बने रहना मेरे साथ। देखो यहाँ पे फिफ्थ सब क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, एक्स इंटू साइन 2y इक्वल टू वाई इंटू कॉस 2x एट पाई बाई 4 कॉमा पाई बाई 2। तो क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द गिवन पॉइंट। तो आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द गिवन पॉइंट। पॉइंट आपको दिया है x का वैल्यू पाई बाई 4 है, y का वैल्यू पाई बाई 2 है। तो रूल्स आपको मालूम ही है, इसके पहले मैंने 4 क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। तो जस्ट क्या करना है आपको, सिंपली इसको डिफरेंशिएट करना है सबसे पहले। तो आई विल राइट हियर, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा डिफरेंशिएटिंग, ये हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड आएगा। सो देखो लेफ्ट हैंड साइड जो है x इंटू साइन 2y, दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है। राइट हैंड साइड है y इंटू कॉस 2x, अगेन दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है। और आपको फाइंड आउट करना है dy बाई dx। सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बोथ साइड मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन यूज़ करेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, तो x इंटू साइन 2y, तो मल्टीप्लीकेशन रूल यूज है, तो मल्टीप्लीकेशन रूल यहाँ पर यूज़ होगा। तो आई विल राइट हियर फर्स्ट टर्म, फर्स्ट फंक्शन इंटू आएगा डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, दैट मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2y प्लस आएगा सेकेंड फंक्शन दैट इज साइन 2y इंटू करना पड़ेगा आपको डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज एक्स, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू, मल्टीप्लीकेशन रूल हम लोग यूज़ कर रहे हैं। राइट हैंड साइड ऑल्सो वाई इंटू कॉस 2x है, तो यू इंटू वी रूल। सो आई विल राइट हियर वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉस 2x, देन यहाँ पर प्लस आएगा दिस इज कॉस 2x इंटू लिखेंगे हम लोग डी बाई डी एक्स ऑफ वाई दैट इज डी वाई बाई डी एक्स। सिंप्लीफाई करते जाना है आपको, ये हो जाएगा एक्स इंटू, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2y, तो साइन 2y का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x होता है कॉस 2y, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कॉस 2y, पर आपको इंटू करना पड़ेगा अगेन डी बाई डी एक्स ऑफ 2y, बिकॉज डिफरेंशिएशन तो आपको आता ही है, कम्प्लीटली मैंने सॉल्व किया था इसके पहले के लेक्चर्स में सब। प्लस ये आपका साइन 2y एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, इंटू देखो डी बाई डी एक्स ऑफ x, तो x का तो डेरिवेटिव 1 होता है विथ रेस्पेक्ट टू x इक्वल टू y इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस 2x, तो कॉस 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन 2x माइनस साइन 2x इंटू करना पड़ेगा आपको अगेन ये डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, ठीक है। देन यहाँ पर देखो आपको प्लस दिया हुआ है, कॉस 2x एज इट इज़ रहेगा, तो मैं कॉस 2x को वैसे ही लिखूँगा मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर है आपका डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़। सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका x इंटू दिस इज कॉस 2y इंटू, देखो अभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है डी बाई डी एक्स ऑफ 2y, तो 2 तो कोएफिशिएंट है वैसे ही रहने वाला है, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ y क्या आएगा, ये आपका सिंपली डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पर क्या है देखो आपका साइन 2y एंड दिस इज इक्वल टू माइनस है यहाँ पर, और डी बाई डी एक्स ऑफ 2x क्या आता है डेरिवेटिव ऑफ 2x इज 2, तो 2 को यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा माइनस 2 और यहाँ पे हो जाएगा आपका y जाएगा माइनस 2y इंटू यहाँ पर लिखेंगे हम लोग साइन 2x, ठीक है। और यहाँ पर क्या आपका बच रहा है प्लस कॉस 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स आपका एज इट इज़ रहेगा। आपने को निकालना है डी वाई बाई डी एक्स पहले, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में एक टर्म है डी वाई बाई डी एक्स का और राइट हैंड साइड में भी एक टर्म है डी वाई बाई डी एक्स का, सो दोनों को मैं एक साथ ले लूँगा, तो ये हो जाएगा एक्चुअली आपका 2x इंटू दिस इज कॉस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। राइट हैंड साइड का टर्म विच इंक्लूड्स डी वाई बाई डी एक्स ब्रिंग टू LHS, तो ये हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा यहाँ पर आएगा, तो माइनस कॉस 2x इंटू है ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर देखो क्या बच रहा है आपका ये साइन 2y है, तो वहाँ पर जा करके नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस 2y इंटू साइन 2x तो ऑलरेडी है, और ये प्लस साइन 2y को वहाँ पे शिफ्ट करेंगे हम, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 2y। सिंप्लीफाई करते जाना आपको आंसर मिलते जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड टेक dy बाई dx कॉमन फ्रॉम बोथ द टर्म, सो आई विल राइट हियर
डी वाई बाय डी एक्स अगर मैं कॉमन लूंगा तो देखो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बच रहा है आपका, यहाँ बच रहा है 2x इंटू कॉस 2y, आई विल राइट ये 2x इंटू कॉस 2y, और यहाँ पे माइनस आपका बच रहा है दिस इज कॉस 2x, ठीक है ये ब्रैकेट क्लोज किया मैंने, एंड दिस इज इक्वल टू आपका जो राइट हैंड साइड है या वो एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, सो माइनस 2y इंटू दिस इज साइन 2x और यहाँ पर दिया आपको माइनस साइन 2y, ठीक है आपने कुछ ये dy by dx सा, सो हम क्या करेंगे dy by dx को यहाँ पर रखेंगे एंड दिस इज इक्वल टू, आप माइनस साइन को कॉमन भी ले सकते हो राइट हैंड साइड में, तो माइनस कॉमन आएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका 2y into sin 2x, माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा आपका sin 2y डिवाइडेड बाय, ये ब्रैकेट लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाइड है तो राइट साइड में जा करके वो डिवाइड हो जाएगा, सो दिस आई कैन राइट 2x into cos 2y, माइनस हो जाएगा आपका ये cos 2x, ये हो गया आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट, बट अपने को स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है एट गिवन पॉइंट, तो आपका जो गिवन पॉइंट है वो क्या है पाई बाई फोर और पाई बाई टू है, सो आई विल राइट हियर डी वाई अपॉन डी एक्स एट द गिवन पॉइंट ऑफ पाई बाई फोर, एक्स का वैल्यू पाई बाई फोर और वाई का वैल्यू आपका पाई बाई टू है, सो देखते क्या आता है यहाँ पे, एक्स के प्लेस पे आपको पाई बाई फोर पुट करना है और वाई के प्लेस पे पाई बाई टू, सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस और ये देखो आपका हो जाएगा टू, वाई के प्लेस पे आपको लिखना है पाई बाई टू इंटू दिस इज साइन टू इंटू एक्स के प्लेस पे आपको लिखना है पाई बाई फोर प्लस प्लस साइन टू वाई है तो ये हो जाएगा आपका साइन टू इंटू वाई के प्लेस पे क्या आएगा पाई बाई टू आएगा, ब्रैकेट क्लोज एंड दिस इज डिवाइडेड बाय, सेम वे ये देखो यहाँ पर टू इंटू एक्स के प्लेस पे क्या आएगा पाई बाई फोर आएगा इंटू कॉस टू, वाई के प्लेस पे आएगा आपका पाई बाई टू माइनस दिस इज कॉस टू इंटू एक्स के प्लेस पे आएगा आपका यहाँ पर पाई बाई फोर, जस्ट सिंप्लीफाई करते जाना आपको आंसर मिलते जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ये टू टू देखो कैंसिल हो जाएगा आपका साइन टू पाई बाई फोर, तो ये टू और फोर कैंसिल होगा तो यहाँ पे साइन पाई बाई टू बचेगा, साइन पाई बाई टू मीन साइन नाइन्टी, तो साइन नाइन्टी का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर आपका वन और ये पाई तो बचा ही है आपका यहाँ पे, तो वन इंटू पाई हो जाएगा ये प्लस ये देखो यहाँ पे क्या बच रहा है आपका साइन पाई बच रहा है राइट, तो साइन पाई मीन साइन 180, साइन 180 का वैल्यू जीरो होता है तो आई विल राइट हियर प्लस जीरो और देखो यहाँ पे डिवाइडेड बाय ये टू और फोर कैंसिल होगा तो यहाँ पर आपका बचेगा पाई बाई टू इंटू ये टू टू आपका कैंसिल होगा तो कॉस पाई बचेगा कॉस 180, देखो कॉस पाई यहाँ पे क्या बच रहा है कॉस पाई मीन्स कॉस 180, तो कॉस 180 का वैल्यू होता है माइनस वन, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटू माइनस वन हो जाएगा आपका ये और ये माइनस देखो ये टू और ये फोर कैंसिल होगा तो कॉस पाई बाई टू बचेगा और कॉस 90 का वैल्यू होता है जीरो, तो आई विल राइट हियर जीरो, तो यहाँ पे एक्चुअली क्या मिल रहा है आपको माइनस पाई डिवाइड बाय माइनस पाई बाय टू, तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे ये देखो आपका पाई पाई कैंसिल होगा माइनस माइनस पाई कैंसिल होगा टू ऊपर जाएगा तो यहाँ पे टू हो जाएगा, दैट मीन्स फाइनली क्या मिला है यहाँ पर देखो आपको डी वाई बाय डी एक्स एट द गिवन पॉइंट ऑफ पाई बाय फोर कॉमा पाई बाय टू इक्वल टू मिल गया आपको टू, सो दिस इज कॉल्ड एज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट मिल गया, अब हम फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, आई विल राइट हियर देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो यहाँ पर लिखोगे आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज गिवन, फॉर्मूला आपको मालूम है वाई माइनस वाई वन इक्वल टू होता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट, दैट मीन्स डी वाई अपॉन डी एक्स एट द गिवन पॉइंट, एक्स का वैल्यू पाई बाय फोर दिया था और वाई का वैल्यू यहाँ पे पाई बाय टू दिया था मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस एक्स वन, ये फॉर्मूला आपका है, सो ये हो जाएगा वाई माइनस वाई वन मीन्स वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई कोऑर्डिनेट इज हियर पाई बाय टू दिया है एंड दिस इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स निकाला है आपने यहाँ पे टू आया है, सो स्लोप इज टू हीयर एंड दिस इज एक्स माइनस एक्स वन इज हीयर पाई बाई फोर, सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग इसको सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो दिस इज टू वाई माइनस पाई डिवाइड बाई टू इक्वल्स टू दिस इज टू इंटू ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा फोर एक्स माइनस पाई डिवाइडेड बाई फोर हो जाएगा, सो दिस विल आई विल राइट टू वाई माइनस पाई डिवाइड बाई टू इक्वल्स टू कैंसिल करेंगे हम लोग यहाँ पे तो फोर एक्स माइनस पाई डिवाइड बाई टू हो जाएगा, सो दिस टू टू कैंसिल, जस्ट मैं अब रीअरेंज कर देता हूँ,
तो ये हो जाएगा देखो आपका 4x और ये प्लस 2y को वहाँ पे शिफ्ट कर दो, सो माइनस 2y माइनस पाए और ये माइनस पाए वहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो जाएगा प्लस पाए एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। माइनस पाए प्लस पाए कैंसिल तो आपको आंसर मिलेगा 4x माइनस 2y इक्वल टू जीरो, या इसको 2 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 2x माइनस वाई इक्वल टू जीरो। सो 2x माइनस वाई इक्वल टू जीरो ये आपको मिल गया इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो आई विल राइट हियर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, फॉर्मूला आपको मालूम ही है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y माइनस वाई वन इक्वल टू होता है माइनस वन अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, हाँ बिकॉज नॉर्मल और टेंजेंट आपका परपेंडिकुलर है, तो माइनस वन अपॉन स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द गिवन पॉइंट दैट मीन्स पाई बाई फोर कॉमा पाई बाई टू इंटू आता है यहाँ पर x माइनस एक्स वन। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये हो जाएगा y माइनस व्हाट इज y1, y1 आपको दिया है पाई बाई टू इक्वल टू माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, अपने को 2 मिला है स्लोप का वैल्यू और ये हो जाएगा आपका x माइनस एक्स वन इज ईयर पाई बाई फोर। सिंप्लीफाई करना आंसर आपको आते जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 2y माइनस पाई डिवाइड बाई टू इक्वल्स टू और ये माइनस वन बाई टू एज इट इज़ क्रॉस मल्टीप्लाई ब्रैकेट 4x माइनस पाई डिवाइड बाई फोर। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, इसको सिंप्लीफाई करते हैं देखो यहाँ पे ये 2 आप कैंसिल कर सकते हो राइट, तो यहाँ पे क्या बच रहा है देखो दिस इज 2y माइनस पाई इक्वल्स टू बच रहा है आपका माइनस यहाँ पर है ब्रैकेट में 4x माइनस पाई और यहाँ पे डिवाइडेड बाय आपका बच रहा है 4 ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ बोथ साइड 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये हो जाएगा 4 टू ज़ा 8y माइनस दिस इज 4 पाई इक्वल्स टू 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 चला जाएगा आपका और माइनस से ब्रैकेट ओपन करो तो माइनस 4x और ये प्लस y हो जाएगा। रीअरेंज करते हैं हम लोग तो ये हो जाएगा प्लस 4x प्लस 8y हो जाएगा माइनस 4 पाई प्लस पाई यहाँ पर आएगा तो माइनस पाई हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। सो दिस आई विल राइट हियर 4x प्लस 8y माइनस 5 पाई इक्वल टू जीरो, तो हो गया आपका 4x प्लस 8y माइनस 5 पाई इक्वल टू जीरो। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, सम आपका सॉल्व हो गया। सिक्स्थ सब क्वेश्चन आपको दिया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एंड द टेंजेंट टू द कर्व एट द गिवन पॉइंट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे x इक्वल टू दिया है साइन थीटा एंड y इक्वल टू दिया है cos 2 थीटा एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 6। तो सबसे पहले तो अपने को dy by dx निकालना पड़ेगा बिकॉज dy by dx इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट होता है, बट यहाँ पर देखो पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन यूज होगा बिकॉज x इज द फंक्शन ऑफ पैरामीटर थीटा एंड y इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ पैरामीटर थीटा। सो हम लोग यहाँ पे पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन का रूल यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक एक वेरिएबल लेकर के सॉल्व करता हूँ, देखो यहाँ पर x इक्वल टू आपको दिया है साइन थीटा तो x इज द फंक्शन ऑफ थीटा, सो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा आएगा ये। सो दिस विल बी dx अपॉन d थीटा इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो आपको मालूम है साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है cos थीटा। नेक्स्ट हम लोग y को लेकर के सॉल्व करेंगे, y इक्वल दिया है आपको cos 2 थीटा, तो ये भी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा आएगा। सो dy अपॉन d थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा का डेरिवेटिव आपको मालूम है cos 2 थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन 2 थीटा इंटू करना पड़ेगा d by d थीटा ऑफ 2 थीटा, तो वो 2 हो जाएगा मालूम है आपको। इसको रीअरेंज करूंगा मैं तो माइनस 2 इंटू ये हो जाएगा आपका साइन 2 थीटा। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी थीटा, बट अपने को फाइंड आउट करना है डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स आपको पता है उसमें क्या करना है, सी ईयर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू पैरामीट्रिक रूल है तो ये डी वाई अपॉन डी थीटा डिवाइडेड बाय दिस इज डी एक्स अपॉन डी थीटा, ठीक है, इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा इज माइनस 2 साइन 2 थीटा, तो माइनस 2 साइन 2 थीटा लिखेंगे हम लोग डिवाइडेड बाय डी एक्स अपॉन डी थीटा इज कॉस थीटा, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कॉस थीटा हो जाएगा ये। थीटा का वैल्यू मालूम है सब्स्टिट्यूट कर दो, थीटा का वैल्यू कितना दिया आपको यहाँ पर पाई बाय 6 दिया हुआ है। सो आई विल राइट हियर डी वाई अपॉन डी एक्स एट द गिवन पॉइंट थीटा इक्वल टू पाई बाय 6, सो देखते क्या आता है ये, तो माइनस 2 इंटू साइन 2 इंटू थीटा का वैल्यू पाई बाय 6 है ठीक है डिवाइडेड बाय
कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पर पाई बाय सिक्स। सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, ये जगह माइनस टू इंटू साइन, टू और सिक्स कैंसिल होगा तो साइन पाई बाय थ्री बचेगा आपका यहाँ पे, एंड दिस इज कॉस पाई बाय सिक्स। सो दिस इज इक्वल टू माइनस टू इंटू साइन पाई बाई थ्री, पाई बाई थ्री का मीनिंग होता है 60 डिग्री, तो साइन 60 का वैल्यू आपको मालूम है, साइन 60 का वैल्यू होता है रूट थ्री बाई टू, आई विल राइट हियर रूट थ्री बाई टू डिवाइडेड बाय कॉस पाई बाई सिक्स है, कॉस पाई बाई सिक्स मीन्स कॉस 30, और कॉस 30 का वैल्यू होता है रूट थ्री बाई टू, सो आई विल राइट हियर रूट थ्री बाई टू, कैंसिल हो गया आपका ये, तो यहाँ से क्या मिल रहा है आपको माइनस टू। देयरफॉर आई गॉट हियर स्लोप ऑफ टेंजेंट, हाँ स्लोप ऑफ टेंजेंट मुझे यहाँ से मिल गया डी वाई अपॉन डी एक्स एट थीटा इक्वल टू पाई बाय सिक्स, वी गॉट हियर माइनस टू। एक बार आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया तो आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप आई विल राइट हियर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज गिवन बाय, फॉर्मूला आपको मालूम है वाई माइनस वाई वन इक्वल्स टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट डी वाई बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल टू पाई बाई सिक्स मल्टीप्लाइड बाई होता है एक्स माइनस एक्स वन, ये फॉर्मूला है टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, ये तो आपका फॉर्मूला है टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, अपने को y1 और x1 का वैल्यू मालूम नहीं है, दैट मीन्स आपको कोऑर्डिनेट यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, सो हम पहले यहाँ पे कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। देखो x इक्वल टू क्या दिया था आपको, x इक्वल टू साइन थीटा दिया था, और आपको y इक्वल टू क्या दिया था, y इक्वल टू दिया था आपको यहाँ पर cos 2 थीटा, तो x इक्वल टू साइन थीटा क्वेश्चन में दिया था और y इक्वल टू दिया था cos 2 थीटा, तो यहाँ से हम लोग x और y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, ठीक है, जस्ट आपको थीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, थीटा आपको क्वेश्चन में दिया था पाई बाय सिक्स, सो आई विल राइट हियर x इक्वल टू साइन और थीटा कितना दिया है पाई बाई सिक्स, और यहाँ पे देखो y इक्वल टू कॉस टू इंटू थीटा कितना दिया आपको पाई बाई सिक्स, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू साइन पाई बाई सिक्स मीन साइन 30, और साइन 30 का वैल्यू आपको मालूम है हाफ होता है, एंड y इक्वल टू टू और सिक्स कैंसिल होगा तो यहाँ पे cos पाई बाई थ्री बचेगा, cos पाई बाई थ्री मीन्स cos 60, और cos 60 का वैल्यू आपको मालूम है होता है हाफ, तो x और y मिल गया यहाँ से। अब ये जो x और y का वैल्यू मिला है दिस इज योर x1 y1, ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया, तो मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा ये इक्वेशन में, ठीक है, तो इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर वन, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन क्या हो जाएगा ये y माइनस व्हाट इज y1 हियर हाफ मिल गया है इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स कितना मिला है आपको माइनस टू मिला है, तो ये हो जाएगा माइनस टू और इंटू क्या आता है फॉर्मूला आपका x माइनस एक्स वन, एक्स वन इज ऑल्सो हाफ, तो मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हाँ, सो दिस इज़ टू वाई माइनस वन डिवाइड बाई टू इक्वल टू माइनस टू इंटू ब्रैकेट क्रॉस मल्टीप्लाई टू एक्स माइनस वन डिवाइड बाई टू, सो ये टू टू तो आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा आपका टू वाई माइनस वन डिवाइड बाई टू इक्वल्स टू माइनस से ब्रैकेट ओपन कर दो तो माइनस टू एक्स, और ये सॉरी ये हो जाएगा माइनस टू एक्स और ये माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा, अपॉन टू निकालना है तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय टू कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय टू तो ये टू कैंसिल होगा तो टू वाई माइनस वन बचेगा, यहाँ पर आपको टू से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा माइनस फोर एक्स एंड दिस इज प्लस टू, जस्ट मैं रीअरेंज कर दूंगा तो ये हो जाएगा आपका फोर एक्स प्लस टू वाई प्लस टू यहाँ पर आएगा तो माइनस टू हो जाएगा और माइनस वन तो माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट मिल गया अपने को, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया 4x प्लस टू वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। अभी हम फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, सो देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इक्वेशन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला आपको मालूम है y माइनस वाई वन इक्वल टू माइनस वन अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स एट थीटा इक्वल टू कितना दिया था पाई बाय सिक्स, ठीक है, और यहाँ पे इंटू आता है आपका x माइनस एक्स वन, ये फॉर्मूला आपका है, करता हूँ मैं y माइनस वाई वन आपको मिला हुआ है देखो यहाँ पे हाफ, ठीक है, दिस इज इक्वल टू स्लोप कितना मिला था अपने को, स्लोप आपको मिला था माइनस टू तो मैंने माइनस टू लिख दिया, एंड दिस इज x माइनस व्हाट इज x वन, एक्स वन इज़ हाफ, तो मैं सिंप्लीफाई करता हूँ देखो इसको, तो ये हो जाएगा आपका y माइनस हाफ इक्वल्स टू माइनस वन,
सॉरी ये आपका कितना है देखो, माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स कितना है, माइनस टू मिला हुआ है, ठीक है। तो माइनस वन बाई टू हो जाएगा, तो दिस विल बी योर प्लस वन बाई टू, हाँ प्लस वन बाई टू एंड दिस इज एक्स माइनस हाफ। सो क्रॉस मल्टीप्लाई, टू वाई माइनस वन डिवाइड बाई टू इक्वल्स टू हाफ एज इट इज रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो टू एक्स माइनस वन डिवाइड बाई टू दिस वे। सो ये टू और ये टू आप कैंसिल कर सकते हो, तो बाकी का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो टू टू ज़ा फोर वाई माइनस टू इक्वल्स टू दिस इज टू एक्स माइनस वन। रीअरेंज करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा टू एक्स माइनस फोर वाई एंड देन हियर माइनस वन है और ये प्लस टू हो जाएगा इक्वल टू ज़ीरो, तो ये मिलेगा टू एक्स माइनस फोर वाई प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिल गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल गया। द क्वेश्चन नंबर वन का लास्ट सब क्वेश्चन, सेवन सब क्वेश्चन आपको दिया है, एक्स इक्वल टू रूट टी, वाई इक्वल टू टी माइनस वन अपॉन रूट टी एट टी इक्वल टू फोर। क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, पैरामेट्रिक डिफ्रेंशिएशन है, एक्स इक्वल टू आपको रूट टी दिया है, तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी, सो डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू जाएगा, रूट टी का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन टू रूट टी, ठीक है, ये हो गया डी एक्स अपॉन डी टी। अब मैं यहाँ पे देखो वाई ले लेता हूँ, वाई इक्वल टू दिया है टी माइनस वन अपॉन रूट टी दिया है, मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, रूट टी आई विल राइट हियर, टी रेज टू हाफ लिख सकता हूँ मैं, और थोड़ा सिंप्लीफाई होगा, वाई इक्वल टू टी माइनस टी रेज टू हाफ जाएगा न्यूमरेटर में, तो वो जाएगा आपका टी रेज टू माइनस हाफ, बिकॉज सिंप्लीफाई कर लेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन ईजी हो जाएगा। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, देखो यहाँ पर, सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी हो जाएगा ये, सो दिस इज डी वाई अपॉन डी टी इक्वल्स टू टी का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू टी वन आएगा माइनस टी रेज टू माइनस हाफ, तो टी रेज टू एन का फॉर्मूला यूज होगा, तो ये हो जाता है एन टी रेज टू एन माइनस वन, तो ये माइनस और ये माइनस यहाँ पे आएगा तो प्लस हो जाएगा, दिस इज हाफ इन टू हो जाएगा टी रेज टू माइनस हाफ माइनस वन, माइनस हाफ माइनस वन आएगा ये, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, तो वन प्लस हाफ इन टू, देखो ये टी रेज टू कितना हो जाएगा, माइनस हाफ माइनस वन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से मिलेगा टी रेज टू माइनस थ्री बाई टू मिलेगा। अगेन मैं पावर को पॉजिटिव कर देता हूँ, तो वन प्लस दिस इज हाफ इन टू टी रेज टू माइनस थ्री बाई टू है, पॉजिटिव करेंगे तो वन अपॉन टी रेज टू ये प्लस थ्री बाई टू हो जाएगा, और आई कैन राइट दिस ऑल्सो वन प्लस दिस इज वन अपॉन टू इन टू टी रेज टू थ्री बाई टू, तो ये मिल गया आपको डी वाई बाई डी टी। बट आपको फाइंड आउट क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स, तो आई विल राइट द फॉर्मूला, सिंस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू होता है डी वाई अपॉन डी टी, और यहाँ पर आपको दिया है डिवाइडेड बाय, दिस इज डी एक्स अपॉन डी टी आपको दिया हुआ है, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी इज दिस, डी वाई बाई डी टी मिला है वन प्लस, यहाँ पर मिला है आपको वन प्लस दिस इज वन अपॉन टू इन टू है यहाँ पे टी रेज टू थ्री बाई टू, हाँ टी रेज टू थ्री बाई टू डिवाइडेड बाय डी एक्स अपॉन डी टी इज वॉट, डी एक्स अपॉन डी टी मिला है आपको वन अपॉन टू रूट टी, आई विल राइट हियर वन अपॉन टू रूट टी। बट आपको फाइंड आउट क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स वेन टी इक्वल टू फोर, तो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो आई विल राइट हियर वेन टी इक्वल्स टू फोर, तो ये हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स एट टी इक्वल टू फोर, ऐसे भी लिख सकते हो आप, दिस इज इक्वल टू नाउ, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, तो वन प्लस दिस इज वन अपॉन टू इन टू टी का वैल्यू फोर है, तो फोर रेज टू है ये थ्री बाई टू हो जाएगा, और यहाँ पर है आपका टोटल डिवाइडेड बाय वन अपॉन टू इन टू रूट टी का वैल्यू फोर है, मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका वन प्लस, सो दिस इज वन अपॉन टू इन टू, ये देखो फोर है तो फोर को मैं टू का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, दिस आई कैन राइट टू स्क्वायर, और ये रेज टू क्या दिया है आपको थ्री बाय टू दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय हियर वन अपॉन रूट फोर का वैल्यू टू होता है, तो टू इंटू टू ये फोर हो जाएगा, और ये टू जो स्क्वायर है ये इससे कैंसिल हो जाएगा, सो देखते हैं यहाँ पर क्या आता है, सो दिस इज वन प्लस वन अपॉन टू रेज टू थ्री, तो टू रेज टू थ्री कितना आएगा, टू रेज टू थ्री इज एट होता है, एंड देट एट इंटू टू ये हो जाएगा आपका सिक्सटीन, और यहाँ पर आएगा आपका डिवाइडेड बाय दिस इज वन बाई फोर, सिंप्लीफाई करते जाऊंगा मैं, ये हो जाएगा आपका वन इंटू सिक्सटीन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्सटीन प्लस वन सेवनटीन अपॉन सिक्सटीन आएगा, डिवाइडेड बाय वन बाई फोर है तो मल्टीप्लाइड बाय ये फोर बाय वन हो जाएगा, सो दिस इज फोर फोर ज़ा यू विल गेट हियर सेवनटीन बाई फोर, ये आपको मिल गया है स्लोप, सो दिस इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट मिल गया आपको एट टी इक्वल टू फोर, सो दिस इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट।
बट आपको यहाँ पे पहले पॉइंट निकालना पड़ेगा, पॉइंट मीन्स एक्स और वाई का वैल्यू निकालना पड़ेगा आपको यहाँ पे। टी का वैल्यू 4 दिया है ना, तो एक्स और वाई मिल जाएगा आपको, तो विल राइट हियर देयर फोर एक्स इक्वल टू रूट टी दिया है, तो टी का वैल्यू 4 पुट कर दो तो आपको एक्स का वैल्यू 2 मिल गया। वाई निकाल सकते हैं हम लोग, वाई इक्वल टू टी का वैल्यू 4 दिया है, तो 4 माइनस 1 अपॉन ये हो जाएगा आपका रूट 4, सो दिस इज 4 माइनस 1 अपॉन 2 हो जाएगा, तो 4 टू जाए 8, 8 माइनस 1 किया तो ये हो जाएगा आपका 7/2, तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू कितना आएगा 7/2 हो जाएगा। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं हम लोग, तो आई विल राइट हियर देयर फोर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे हम लोग यहाँ से, तो फॉर्मूला आपको मालूम है y माइनस वाई वन इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स एट टी इक्वल टू 4, दैट मीन स्लोप मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस एक्स वन, ये फॉर्मूला है। जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, y माइनस वाई वन कितना दिया है 7/2 इक्वल टू डी वाई बाई एक्स कितना मिला था, डी वाई बाई एक्स मिला आपको 17/4, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर 17/4 इंटू, देखो यहाँ पर एक्स माइनस वॉट इज एक्स वन, एक्स वन इज हीयर आपको मिला है 2, सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग इसको, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 2y माइनस 7 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 2 होगा इक्वल्स टू, और ये एज इट इज़ में रखता हूँ यहाँ पर, देखो आपका 17 एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय यहाँ पर है 4 आपका, ठीक है। तो ये आपका 2 वन ज़ा 2 टू ज़ा कैंसिल हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो 2 टू ज़ा 4 वाई माइनस 2 सेवन ज़ा हो जाएगा आपका ये 14 हो जाएगा, एंड दिस इज़ इक्वल टू 17 से ब्रैकेट ओपन 17 एक्स माइनस 17 टू ज़ा हो जाएगा आपका 34, इसको रीअरेंज कर दो तो ये हो जाएगा आपका 17x और ये प्लस 4y जाएगा वहाँ पर, तो माइनस 4y हो जाएगा, देन यहाँ पर माइनस 34 है, माइनस 14 वहाँ पर जाएगा तो प्लस 14 हो जाएगा इक्वल टू 0, सो दिस इज 17x माइनस 4y और ये हो जाएगा आपका माइनस 20 इक्वल टू 0, सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको मिल गया, ये आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। अब हम फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो आई विल राइट हियर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख देंगे हम लोग, फॉर्मूला आपको मालूम है y माइनस वाई वन इक्वल टू माइनस वन अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट डी वाई बाई डी एक्स एट टी इक्वल टू 4 है ये, और यहाँ पर x माइनस एक्स वन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, y माइनस वाई वन इज हाउ मच हियर, y1 मिला है आपको y का वैल्यू 7/2, तो आई विल राइट हियर 7/2 इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स कितना मिला था आपको स्लोप का वैल्यू, स्लोप का वैल्यू हमें मिला था 17/4 मिला था, तो आई विल राइट हियर 17/4 लिखूंगा मैं, बिकॉज स्लोप का वैल्यू 17/4 मिला था, और ये हो जाएगा आपका इन टू एक्स माइनस व्हाट इज एक्स वन हियर, एक्स वन का वैल्यू आपको मिला है 2, ठीक है, जस्ट सिंप्लीफाई कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका 2y माइनस 7 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू, ये न्यूमरेटर में जाएगा तो माइनस 4/17 हो जाएगा इन टू यहाँ पर है x माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 17 टू ज़ा, ये हो जाएगा 34y माइनस 17 सेवन ज़ा, 17 सेवन ज़ा कितना हो जाएगा आपका माइनस 119 हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू, अब ये 2 इंटू माइनस 4 तो माइनस 8 हो जाएगा, माइनस 8 से ब्रैकेट ओपन करो तो ये हो जाएगा आपका माइनस 8x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये 16, दिस वे रीअरेंज करता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा आपका 8x और यहाँ पर है प्लस आपका 34y माइनस 119 और ये माइनस 16 इक्वल टू 0, सो दिस विल बी 8x प्लस 34y माइनस 135 इक्वल टू 0, सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो आपका सम सॉल्व हो गया। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है, सो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा इसे लाइक ज़रूर कर देना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।